तो मेरे पास XRT टीवी आया हुआ है और इसको ओपन कर कर रखे हुए है, और इसमें हमारा ख़राबी क्या है तो ये पावर सप्लाई एकदम डेड है, जो कि इसमें हमारा STR लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर STR लगा हुआ है, तो ये हमारा पावर सप्लाई एकदम डेड है, जो कि सेकेंडरी सेक्शन के आउटपुट पर हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो क्या करते कि इसको लाइन पर लगा कर आपको दिखाते हैं ये भी, तो क्या करते कि इसको लाइन पर लगा दिए और वोल्टेज को चेक करते हैं। सबसे पहले तो मल्टीमीटर को DC के रेंज पर रखे और पोलराइज कैपेसिटर पर चेक करते हैं, जो कि हमारा ये वोल्टेज इनपुट हो गया है, जो कि पोलराइज कैपेसिटर पर वोल्टेज आ गया है, और ये वोल्टेज हमारा चला जाता है STR के पिन पर, जो कि यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज मिल रहा है। और आउटपुट पर चेक कर आपको दिखाते हैं, जो कि ये वोल्टेज हमारा चला जाता है EST सेक्शन पर, जो कि हमारा 0 वोल्टेज आ रहा है। और वर्टिकल सेक्शन को देखते हैं, जो कि इसमें भी हमारा वोल्टेज नहीं आउट कर रहा है, जो कि हमारा पावर सप्लाई एकदम डेड है। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको लाइन से आउट कर देते हैं। और एक तरीका और भी है, जैसे कि हम ये लाइन का जो कि प्लोक होता है, इसको आउट कर देने पर भी हमारा जो कि पोलराइज कैपेसिटर है यहाँ पर वोल्टेज रोक कर रखेगा, जो कि आप भी देख सकते हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारा पावर सप्लाई एकदम सा डेड है। तो ऐसे करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा पावर सप्लाई ओके है कि नहीं है, जो कि अभी भी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। जो कि क्या करेंगे कि सबसे पहले इस वोल्टेज को डिस्चार्ज कर लेंगे। डिस्चार्ज करने के लिए 100 वाट बल्ब को यूज़ करेंगे हम, ये जो कि ऐसे पोलराइज कैपेसिटर के पिन पर ऐसे टच करेंगे, तो हमारा जो कि करंट स्टोर करके रखा हुआ था ये भी डिस्चार्ज हो गया होगा, जो कि डिस्चार्ज हो गया। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले ऐसे फॉल्ट पर क्या करेंगे कि एक बार और हम आपको लाइन पर लगा कर दिखाते हैं। तो फिर से हम लाइन पर लगा दिए और एक वोल्टेज को और चेक करेंगे, जो कि ये वोल्टेज हो गया हमारा एकदम ओके है। और यहाँ से यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, यहाँ पर भी ओके है, और यहाँ से इसी ट्रैक से यहाँ पर आ गया, और यहाँ से यहाँ पर हमारा एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि अभी 0 वोल्टेज आउट कर रहा है, जो कि यहाँ पर हमारा लगभग 15 वोल्टेज से ऊपर और 30 वोल्टेज के बीच में ये वोल्टेज हमको आना चाहिए, जो कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। ये वोल्टेज हमको ये रेजिस्टेंस भी शॉर्ट हो जाने पर, ख़राब हो जाने पर भी हमको ये पावर सप्लाई शॉर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि ख़राब देखने को मिलेगा, जो कि अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है। और जो कि हमारा ये STR हो गया, STR जो कि हमारा शॉर्ट हो जाने पर, ख़राब हो जाने पर भी हमको यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको लाइन से आउट कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा जो कि वोल्टेज है ये अभी स्टोर करके रखा हुआ है, तो इसको क्या करते कि फिर से हम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद में क्या करेंगे कि सबसे पहले जो कि हमारा STR हो गया, तो ये STR को क्या करेंगे कि ओपन कर देखेंगे, और ओपन करने के बाद में क्या करेंगे कि फिर से हम लाइन पर लगा कर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या करते कि सबसे पहले ये STR को ओपन कर लेते हैं। तो ये STR को ओपन कर लिए, जो कि इसका नंबर आपको दिखाते हैं, जो कि इसका नंबर हो जाता है नंबर CQ7568T। तो क्या करेंगे कि इतना ही नंबर का दूसरा हम STR लगाकर इसमें देखेंगे। तो क्या करते कि सबसे पहले एक बार और लाइन पर लगाकर इसको देखते हैं कि जो कि हमारा रेजिस्टेंस हो गया, उस रेजिस्टेंस के वोल्टेज इनपुट पर वोल्टेज ओके है और आउटपुट पर वोल्टेज हमारा ड्रॉप कर रहा था, तो उस वोल्टेज को क्या करते कि एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या करते कि फिर से इसको लाइन पर लगाते हैं, लाइन पर लगा दिए और वोल्टेज को एक बार और फिर से क्या करते कि चेक करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि यहाँ से यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर एकदम ओके है वोल्टेज, और यहाँ आ गए, और यहाँ से यहाँ पर हमारा आउटपुट पिन का रेजिस्टेंस पर आउटपुट वोल्टेज हमारा ओके है, जो कि 34 वोल्टेज आ रहा है, और ये वोल्टेज चला जाता है हमारा इस पिन पर, जो कि ये वोल्टेज मिलने के बाद में क्या होता है कि हमारा ये STR ऑन होता है, जो कि STR ऑन होने के लिए वोल्टेज हमारा ड्रॉप कर रहा था, जो कि ये STR हो गया, तो STR को लगा देने पर हमारा ये वोल्टेज क्या हो रहा है तो ड्रॉप कर रहा है। तो क्या करेंगे कि हम दूसरा STR लगा कर देखेंगे, तो सबसे पहले इसको लाइन से आउट कर दिए और यहाँ पर हमारा वोल्टेज स्टोर करके रखा हुआ है, इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं, डिस्चार्ज भी कर लिए, और क्या करते कि इसमें दूसरा STR लगा कर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा STR, जो कि इसका नंबर है 5Q07568T, जो कि 5Q हो या CQ हो तो हमारा सेम ही रहता है। तो क्या करते कि ये 5Q को लगा कर देखते हैं जी, यानी कि 5Q07568T, जो कि ये हमारा STR हो गया, इसको क्या करते कि इसमें लगा कर देखते हैं कि हमारा सेट ओके होता है कि नहीं होता है। तो इसको क्या करते कि इसमें लगा लेते हैं सबसे पहले। तो STR को कनेक्ट कर लिए, लगा दिए, और क्या करते कि फिर से इसको लाइन पर लगाते हैं, लाइन पर लगा दिए, और ये हो गया हमारा डिजिटल मल्टीमीटर, और देखते हैं कि सेट हमारा ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, तो वोल्टेज हमारा यहाँ पर एकदम ओके है, और इस पर चेक करते हैं, जो कि हमारा वोल्टेज इस पर हमारा ड्रॉप कर रहा था, तो अभी वोल्टेज एकदम ओके हो गया है। तो क्या करते कि आउटपुट पर चेक कर आपको दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, और EST सेक्शन का जो कि वोल्टेज होता है इस पर चेक करते हैं, जो कि हमारा वोल्टेज एकदम ओके है, जो कि 118 वोल्टेज आउट कर रहा है। आपको यहाँ पर रखते हैं और अच्छी तरह से दिखाते हैं, जो कि वोल्टेज हमारा मिल गया है, जो कि आउटपुट पर वोल्टेज आउट
आ गया है, जो कि यह वोल्टेज हमारा ड्रॉप था, जो कि यह वोल्टेज आउट नहीं कर रहा था, पावर सप्लाई एकदम शॉर्ट था, यानी कि खराब था, शॉर्ट तो नहीं था लेकिन हमारा खराब था, जो कि एसटीआर को, ये एसटीआर को चेंज कर दिया तो हमारा सेट एकदम ओके हो गया। तो ऐसे कर कर क्या करेंगे कि हम पावर सप्लाई को चेक करेंगे और एक एक को चेक कर कर क्या करेंगे कि ऐसे रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ हम नया सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।